5 जून यानी योगी आदित्यनाथ जी का जन्म दिवस, जो हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री है। लेकिन इस दिन एक चीज और है, क्या होता है 5 जून को मनाया जाता है पर्यावरण दिवस। क्या मनाया जाता है? पर्यावरण दिवस, यानी कि एनवायरमेंट डे। तो फाइनली गाइस मैं भी सोच रहा हूँ कि आज के दिन एक वृक्ष तो जरूर लगा दूँ, लेकिन आज मैं जो वृक्ष लगाने वाला हूँ ना, वह लगाऊंगा मैं नीम का पेड़, क्योंकि मेरे पास जितने भी नीम के पेड़ थे वह ना आंधी में उखड़ गए हैं। दो पेड़ थे हमारे पास, दोनों के दोनों हवा ले गई उड़ाकर। तो फाइनली गाइस मैं आज जाता हूँ, कहाँ पर जाता हूँ, हम जाते हैं जहाँ से पेड़ मिलते हैं, यानी नर्सरी में जाते हैं, वहीं से एक पेड़ लाते हैं। अगर नीम का पेड़ मिलता है वहाँ से कोई अच्छा सा, तो उसको लगा कर देखते हैं। हाय हेलो नमस्ते सलाम आदिल बंदे का नाम, वेलकम टू माय चैनल, वेलकम टू माय व्लॉग, वेलकम टू माय लाइफ, वेलकम टू क्या, वेलकम टू। आज की सुबह तो हो चली है और लगभग दोपहर का टाइम होने लगा है, लगभग 11:45 का टाइम हुआ है। और आज है गाइस 5 जून और मैं जा रहा हूँ आज नर्सरी में, जो हम लाएंगे एक नीम का पेड़ और वहाँ से नीम का पेड़ लाते हैं और उसको लगाते हैं, क्योंकि 5 जून है ना, तो आज के दिन पेड़ लगाना काफ़ी ज़रूरी होता है। तो हम भी देखते हैं आज लगाकर पेड़ को। तो चलते हैं फिलहाल नर्सरी में, यहाँ से हमसे लगभग पड़ेगी 10 या 12 किलोमीटर, तो वहीं पर जाते हैं। तो फाइनली गाइस फिलहाल मैं आ गया हूँ नर्सरी में, जहाँ से हमें खरीदना है नीम का पेड़। देखते हैं कितने रुपए का मिलता है, तो बाद में पता लगेगा। और यहाँ पर देखिए कितनी मस्त नर्सरी बना रखी है इन्होंने, रोड के ही बिल्कुल बराबर में है। तो देखते हैं पेड़। ये देखिएगा जी, नीम ही नीम बहुत ज्यादा है। फाइनली गाइस लेते हैं यहीं पर। तो फाइनली गाइस हमने ले लिया यहाँ पे नीम का पेड़। कितना बड़ा भैया? बहुत बड़ा, ये 100 रुपये का है जी, 100 रुपया ये करी पत्ते के लिए आएगा जी। हमने एक यहाँ पर पेड़, एक करी पत्ता है, मसालों में काम आता है शायद। चलिए जी इसको भी। तो फाइनली गाइस फिलहाल मौजूद हूँ अपने छोटे से बगीचे में और यहीं पर मुझे को लगाना होगा जो मैंने नीम का पेड़ आना है 100 रुपीज़ का। उसके ना काफ़ी फायदे होते हैं, एक तो दातुन में काम आता है और उसके ना नीम के आपने सुना ही होगा 100 से ज़्यादा फायदे होते हैं। तो फाइनली उसको खड्डा करते हैं और लगाते हैं। तो फाइनली गाइस जी आ गया मेरा बर्मा, जिससे मुझको होल करना है। होल लगभग इतना करना पड़ेगा इसमें, क्योंकि तगड़ा पेड़ है जो मैंने आना है उसको लगाने के लिए। एक होल करने से ना काफी सांस चढ़ गया है, तो फाइनली गाइस इसमें पेड़ को लगाते हैं। तो फाइनली गाइस हमारा जो 5 जून का कार्य था वह संपन्न हो गया है, पर्यावरण दिवस हो गया और योगी जी का जो जन्म दिवस था वह भी पूरा हो गया है। तो फाइनली गाइस अब से हम मिलते हैं कल नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए आप अपने दोस्त आदिल को इजाजत दीजिए। जय हिंद, अल्लाह हाफिज़, बाबा टेक केयर। और हाँ, अपना ख्याल जरूर रखिएगा, और लाइफ में ना कुछ भी प्रॉब्लम आए दिल पर हाथ रखना है और कहना है ऑल इज़ वेल और सब सही है ब्रो। क्या है? सब सही है ब्रो। कैसी भी प्रॉब्लम आए क्या कहना है? दिल पर हाथ रखकर सब सही है ब्रो, ऑल इज़ वेल, अल्लाह हाफिज़।